65वें धम्म चक्र विमोचन दिवस के अवसर पर कामठी स्थित विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर में 14 और 15 अक्टूबर 2021 को धम्म चक्र महोत्सव का आयोजन किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विरोधी पक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, पूर्व ऊर्जा मंत्री और पूर्व संरक्षक मंत्री नागपुर जिला चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक कामठी विधानसभा क्षेत्र टेकचंद सावरकर मुख्य अतिथि होंगे। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान एडवोकेट सुलेखा ताई कुंभारे द्वारा दी गई है। धम्मवक महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर में 14 और 15 अक्टूबर को विभिन्न शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर में 14 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे विशेष बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बौद्ध देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। साथ ही ओगावा सोसाइटी के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री ए सुलेखताई कुंभरे की ओर से श्रद्धेय शिशु संघ को कठिन उपहार और संगठन प्रदान किया जाएगा। ड्रैगन पैलेस टेम्पल या ठिकाणी 14 आणि 15 ऑक्टोबर रोजी धम्म महोत्सवाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे। त्यामध्ये प्रामुख्याने 14 ऑक्टोबरला बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली, त्यामुळे 14 ऑक्टोबरला सकाळी 9 वाजता पूजनीय भिक्षू संघाच्या उपस्थितीमध्ये विशेष बुद्धवंदना घेण्यात येणार आहे। या बुद्धवंदनेमध्ये काही विदेशातील प्रतिनिधी जे थायलंड, व्हिएतनाम आणि श्रीलंकेचे बौद्ध भिक्षू प्रतिनिधी सुद्धा या विशेष बुद्धवंदनेला उपस्थित राहणार। अनेक शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम या धम्म महोत्सवाच्या माध्यमातून आम्ही आयोजित करत आहोत। त्यामध्ये 14 तारखेला दुपारी 12:30 वाजता परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनावर आधारित स्पर्धा परीक्षेचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे, ज्यामध्ये 500 विद्यार्थी सहभागी होतील। ऑनलाईन पद्धतीने सुद्धा या स्पर्धे परीक्षेमध्ये भाग घेता येईल। त्या स्पर्धे परीक्षेमध्ये जे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय असे विद्यार्थी असतील त्यांना ओगावा सोसायटीच्या वतीने 14 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12:30 बजे परम पावन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हरदास एजुकेशनल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन द्वारा ड्रैगन इंटरनेशनल स्कूल और ड्रैगन पैलेस मंदिर क्षेत्र में स्थित हरदास विद्यालय के सहयोग से किया गया है। उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता में कम से कम 500 छात्र भाग लेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को ओगावा सोसाइटी की ओर से शैक्षणिक उत्तरदायित्व दिए जाएंगे। शाम को तथागत गौतम बुद्ध और परम पावन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 15 अक्टूबर 2021 को सुबह 9 बजे ड्रैगन पैलेस मंदिर क्षेत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक एवं अनुसंधान केंद्र में पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पूर्ण आकार की प्रतिमा का उद्घाटन अधिवक्ता द्वारा किया गया। सुलेखा ताई वहुमभुरे के हाथों माल्यार्पण किया जाएगा और पंचशील ध्वज भी फहराया जाएगा। इस अवसर पर समता सैनिक दल की ओर से परम पावन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन किया जाएगा। 15 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर में यम चक्र विमोचन दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर की विभिन्न गतिविधियों का भूमि पूजन किया जाएगा। कोर्ट रेस्तरां का संचालन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय द्वारा अगरबत्ती परियोजना शुरू की जाएगी। इसी प्रकार वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से युवाओं, महिलाओं को प्रशिक्षण और स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से दादा साहेब कुंभरे बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र ड्रैगन पैलेस में चल रहे प्रशिक्षण हेतु युवाओं को पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़, नागपुर।